ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, यूपी प्रशासन हाय हाय, यूपी प्रशासन हाय हाय, यूपी प्रशासन हाय हाय, ऑटो यूनियन जिंदाबाद। ज्ञापन अपन ले लो भाई, पहले भी देखे गए, ये भी थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं हमारी सर, एक मिनट भाई, भाई बिल्कुल नहीं लग रहे हैं आप लोग, आप लोग दिल्ली ऑटो तो बिना पुलिस के आ गया, पिछला कोई चाहिए आप उनके नंबर भी बताएगा तो हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो दिल्ली का ट्रैफिक डायरेक्टर है और दिल्ली परिवहन विभाग में गुराडी जो इनका मेन सेंटर है जी सर, आप बात करते हो अलग है लेकिन दिखी भी नहीं है ना हमारे में, गाड़ी तो बंद करा पड़ेगा सर। ऑटो चालक आए हुए हैं, आरटीओ में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है विरोध करने का? देखिए, एक एनसीआर परमिट जारी हुए थे जिसमें चार राज्यों का समझौता हुआ था अपने ऑटो रिक्शास को एक दूसरे प्रदेश में जाने के लिए। ये समझौते की अवधि ख़त्म हो रही थी और उसके पहले कोई आधिकारिक बैठक हो नहीं पाई जिससे कि सारे लोग समझौते पे हस्ताक्षर कर सकें। हमारे प्रदेश की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया कि इसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए एनसीआर परमिट के समझौते को। दिल्ली ने अपनी कुछ कंसर्न्स जाहिर की हैं, एनसीआर बोर्ड से वो समझौता अंतिम रूप लेना है। तो अभी जितनी जानकारी मुझे अनौपचारिक तौर पर मिली है उससे इस समझौते को एज इट इज़ 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है और इस अगले 6 माह में बैठक करके चारों स्टेट हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश इस समझौते को अंतिम रूप दे देंगे। हेमेश जी, क्या कारण रहा है जो बढ़ा दिया गया 6 महीने उसको परमिट को, क्या कारण रहा है? देखिए, मूलतः चारों सरकारों की सहमति थी कि दिल्ली, राजस्थान का एक सटा हुआ हिस्सा और हरियाणा का सटा हुआ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का सटा हुआ हिस्सा जिसको दिल्ली एनसीआर हम लोग कह लेते हैं, उसमें जो सुगम यातायात आवागमन हो सके जनता का, लोगों की रिहाइश और उनके कार्य क्षेत्र बिल्कुल ऐसे गठे हुए हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में नौकरी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में नौकरी करते हैं, तो उन लोगों को जो परिवहन और आवागमन की सुविधा है वो सुचारू मिलती रहे, इस आशय से समझौता किया गया था। इस समझौते से जनता को बड़ा लाभ होगा। दिल्ली सरकार ने तो गाड़ियां यूपी की सीज करना शुरू कर दी, चालान करना, क्या नोएडा प्राधिकरण हमारे पास पुष्ट प्रमाण नहीं है? हमारे पास अभी तक कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। हमको कहा गया है, हमको ऐसी शिकायतें मिली है, हमने मांगा है कि वो इस आशय के चालान दिखाएं जिसमें उनको परमिट वायलेशंस के लिए वहाँ कार्यवाही की गई हो। नोएडा आरटीओ आगे क्या करेगा इन लोगों के लिए? हम जब तक हम इस पर जो भी विधिक कार्यवाही होगी, जो ऐसी गाड़ियाँ दिल्ली की बिना परमिट की हमारे यहाँ चल रही हैं उनको तो बंद करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू।